हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल तो सबसे पहले उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत कंग्रैट्स जो बच्चे फाइनेंस के लिए सिलेक्ट हो गए और जिनके जो मार्क्स हैं बहुत अच्छे हैं मेरी तरफ से सभी को कन्ग्रैट्स तो अभी थोड़ी देर पहले ही जो है वो फाइनेंस की मेरिट लिस्ट आई है जिसमें सभी बच्चे के मार्क्स आपने सभी ने अपने मार्क्स तो देखे ही होंगे कि, कि, कि किस किस बच्चे के कितने कितने मार्क्स आएँ तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हम वीडियो मैंने कहा चलो एक वीडियो बना के डिस्कस कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है हर एक कैटेगरी का और किस तरीके का जो था ये मेरिट लिस्ट ली और मतलब बच्चों के स्कोर जो हैं वो किस तरीके के रहे तो देखो सबसे पहली बात क्या है कि एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि जो कट है ना फ्रेंड्स वो बहुत हाई रहेगा मेरे हिसाब से तो कट जो है वो बहुत हाई रहेगा क्योंकि जिन जिन बच्चों से मैंने मार्क्स देखे और मैंने पूरी लिस्ट भी देखी उसी को पूरा एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कट है वो हाई रहने वाला है इतना अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए मुझे नहीं लगता था कि इतना हाई कट कभी जाएगा तो ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है हमारे लिए कि इतना हाई कट किया है तो मैं हाला हालाँकि मैं अभी थर्टी थर्टी फाइव पेजेज़ ही मैंने देखे उनमें ही इतने बच्चे थे जिनके मार्क्स जो थे वो नाइन्टी सिक्स नाइन्टी एट से ऊपर थे इतने हाई मार्क्स थे उन सब के तो इस चीज़ को ध्यान में रख के हम बता भी सकते हैं कि भाई कितना हाई कट जा सकता है और अनएक्सपेक्टेड रहा है स्कोर और जिन बच्चों के मुझे लगता है कि जिन बच्चों के पास कैटेगरी है और अगर उनके मार्क्स हाई भी हैं अगर तब भी वो फाल नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि कई बच्चों के साथ ये गलत भी होगा और अनएक्सपेक्टेड रहा पूरा फुली तरीके से ये जो रिज़ल्ट आया चलो कोई बात नहीं जिसके नसीब में है उन्हें तो मिलनी ही है किसी के नसीब की तो आप ले नहीं सकते तो हर एक बंदा मेहनत करता है चलो कोई बात नहीं आप आगे के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए जो आप नेक्स्ट एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए सोचिए उसमें क्या होगा उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी है और आपके पास जो है वो नॉलेज तो है नॉलेज तो कहीं नहीं गई है तो अब आता हूँ मैं कट के ऊपर देखो ये एक पर्सनल एनालिसिस है कोई ऑफिशियल नहीं है मैं आपको पर्सनल एनालिसिस बता रहा हूँ कि कितना कट जो है वो जेके एस एस बी के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जा सकता है देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम ओपन मैरिट का देखिए ओपन मैरिट का मैंने 96 लिखा है ना मैं बोलता हूँ 96 से ऊपर भी जा सकता है एक ऊपर भी जा सकता है या एक नीचे भी आ सकता है लेकिन इससे बहुत ए, कम नहीं जाएगा और बहुत ऊपर भी नहीं जाने का एक ऊपर जा सकता है और एक नीचे आ सकता है 96 आप 96 को 95 फाइव ही बोल दें या 97 सेवन ही बोल दें तो कोई हर्ज नहीं है क्योंकि बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आएँ बहुत ही अच्छे बहुत ही हाई स्कोर है बच्चों का ओके सेकेंड uh, आ गया हमारा आर का आर का देखिए आर का मैंने बोला नाइन्टी थ्री पॉइंट फाइव आप इसको नाइन्टी थ्री भी बोलें uh, तो तब भी चलेगा तो नाइन्टी फोर भी बोलें तब भी चलेगा लेकिन नाइन्टी टू भी मैं कह रहा हूँ नाइन्टी टू भी आप नाइन्टी टू या नाइन्टी थ्री तो हाई हंड्रेड एंड टेन परसेंट इतना कट तो रहेगा ही ओ का नाइन्टी वन ये रहेगा नाइन्टी भी, भी हो सकता है और नाइन्टी भी हो सकता है ए एल सी का ये नाइन्टी तक हंड्रेड एंड टेन परसेंट नाइन्टी तक इतना इसका कट रहना ही है पी एस पी एटी नाइन नाइन्टी पी एस पी का कट है ही है एटी नाइन नाइन्टी से कम जो है वो पी एस पी का कट नहीं होगा एटी नाइन होगा या नाइन्टी के बीच पी एस पी का कट होने वाला है इससे कम नहीं होगा और इससे ज़्यादा भी नहीं होगा ओके ई डब्ल्यू एस का ये आप एटी सिक्स लिखा है मैं बोलता हूँ एटी सिक्स एटी सेवन के बीच जो है वो ई डब्ल्यू एस का कट है हंड्रेड एंड टेन परसेंट ओके एस सी का एट्टी सेवन है ये एट्टी फाइव से एट्टी सेवन के बीच एस सी का कट होगा ठीक है ये देखिए एट्टी एस सी का कट जो है ना वो एट्टी फाइव से लेके एटी सेवन के बीच है हमारा एस सी का कट एस टी का कट है ये भी आप देखिए एट्टी से एट्टी टू के बीच जो है ये इतना एस एस टी का कट तो रहेगा ही ठीक है तो ये मैंने एक रफ बनाया था कट जिसमें मैंने कहा चलो बच्चों का रिजल्ट आया एक रफ एस्टिमेट लग जाता है तो मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूँ कोई बात नहीं जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ था जिनका स्कोर अच्छा आया तो वेरी गुड मेरी तरफ से तो बहुत बहुत करूँगा एड्सन को जिनका स्कोर नहीं अच्छा आया कोई बात नहीं कुछ नहीं होता देखो अपनी जो है ना आप अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते ठीक है अगर आपके किस्मत में है ना तो आपका हो जाएगा ठीक है बाकी एक चीज़ है जो आपके फेवर में है वो है आपकी मेहनत आप मेहनत कर सकते हैं बाकी कब लगनी है नौकरी और कैसे लगनी है वो गॉड पे छोड़ दीजिए ठीक है थीके? वो उनके हाथ में है आपके हाथ में है मेहनत आप मेहनत कीजिए आज नहीं तो कल इस लिस्ट में टॉप में आपका नाम भी होगा ये मेरे से आप लिख लीजिए ठीक है टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है अपने आप को जो है वो डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं करना है अपने आप को मोटिवेटेड रखना है ठीक है और आगे का सोचना है पीछे का सोच के आप कुछ नहीं कर सकते जिनके नसीब में थी उन्हें मिली है ठीक है कल जो बच्चे आज अगर टॉपर हैं कल को वो भी हमारी तरह मेहनत कर रहे थे तभी आज वो टॉपर बने तो अब उस फेज़ में हमें हमें भी पूरे जो है एफर्ट लगा देना है लेकिन इस चीज़ से आप ये सीख सकते हैं कि कट कितना हाई जाता है बच्चे किस लेवल का पढ़ते हैं आपको पता लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है और बच्चों की प्रिपरेशन किस लेवल की है जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए तो आप देख लीजिए आपकी प्रिपरेशन को कितना आपने बूस्ट करना है और किस लेवल तक ले जाना है ये सब अब आपके हाथ में है क्योंकि आगे जो होने वाले एग्ज़ाम हैं नेक्स्ट मंथ में आप एस्टिमेट लगा लो और मुझे लगता है जो एस का कट है ना वो भी बहुत हाई होगा ठीक है मुझे तो लगता ही है क्योंकि वो वन फिफ्टी मार्क्स में से आप जो है वो निकालेंगे वन फिफ्टी मार्क्स का तो उसका कट आप सोच सकते हैं कि कितना हाई जा सकता है ठीक है आपको इससे ही पता लग गया होगा कि उसका कट कितना हाई जाएगा और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है अब उनके लिए जितना हो सकता है ना जितना आपका पोटेंशियल है ना आपने पोटेंशियल से भी टू टाइम्स ज़्यादा आप, आप करिए एफर्ट लगाइए क्योंकि कट बहुत हाई जाता है बच्चे बहुत पढ़ते हैं ठीक है तो ताकि आपका भी जो है वो टॉपर्स की लिस्ट में नाम हो ठीक है तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी मटेरियल चाहिए आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए आपको हर एक एग्जाम से रिलेटेड हर एक वीडियो मिल जाएगी और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करो और शेयर भी करो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू सो मच